शिक्षा दिवस के अवसर पर गोरखपुर जनपद में कुल 578 नए अध्यापकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शनिवार से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आरंभ हो गई, जो 3 सितंबर तक जारी रहेगा। शनिवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रानी लक्ष्मीबाई एवं मुंशी प्रेमचंद सभागार में काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कुल 6 काउंटर बनाए गए। काउंसलिंग के पहले दिन अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जाँच की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया के दूसरे दिन अभ्यर्थियों को विकल्प भरने को बुलाया जाएगा और तीसरे दिन यानी 3 सितंबर को अभ्यर्थी विद्यालयों का विकल्प चयन करेंगे। आपको बताते चलें कि विद्यालय आवंटन के लिए वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर दिव्यांग महिला शिक्षक, उसके बाद दिव्यांग पुरुष शिक्षक, फिर महिला व पुरुष शिक्षक अपनी मेरिट के अनुसार विद्यालयों का चयन करेंगे और उनके मेरिट के आधार पर विद्यालय आवंटित होंगे। बताते चलें कि नए शिक्षकों को जनपद के बंद एवं एकल विद्यालयों में भेजा जाएगा। इसके बाद छात्र संख्या के अनुपात में जहां कम शिक्षक होंगे वहां शिक्षकों की तैनाती होगी। आपको बताते चलें कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे। करीब 40,219 जनपद चयन के लिए प्रक्रिया में शिरकत की, जिसमें से 34,600 को ही विद्यालय आवंटित हुए थे। शेष सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने को लेकर लखनऊ में उच्च अधिकारी प्राप्ति समिति की बैठक हो चुकी है। जल्द ही अन्य अभ्यर्थियों को भी जनपद आवंटित हो सकता है। इसमें गोरखपुर को 46 और अध्यापक मिल सकेंगे।